साल 1985 अमेरिका में पढ़ रहे भारत के एक बड़े उद्योगपति का बेटा अपने दोस्तों के साथ $10,000 लेकर आधा किलो कोकीन खरीदने जाता है। बेचने वाला कोकीन तो नहीं देता, लेकिन बंदूक की नोक पर सारे पैसे लूट लेता है। मामला बढ़ता है और उद्योगपति के बेटे पर कोकीन की ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग और मारपिटाई के मामले दर्ज होते हैं और सजा हो जाती है। बाद में भारत के इस बड़े उद्योगपति का ये बेटा खराब हेल्थ का बहाना बनाकर बच निकलता है और भारत वापस लौट आता है। भारत के उस बड़े उद्योगपति का नाम था कृष्ण कुमार मोदी और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का जन्मदाता ललित मोदी था। वही ललित मोदी जिसके द्वारा साल 2008 में लॉन्च किए गए इंडियन प्रीमियर लीग के अब तक यानी साल 2023 तक 16 सीजन आ चुके हैं। वही ललित मोदी जिसे IPL ने एक समय पर देश का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया और फिर इसी IPL की वजह से उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम इसी ललित मोदी की हिस्ट्री को टटोलेंगे जिसे वसुंधरा राजे का बेहद करीबी होने के कारण राजस्थान का सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। कौन है ललित मोदी, कैसे उसने अपने IPL की शुरुआत की, कैसे IPL एक बिग हिट साबित हुआ और कैसे अपने धोखाधड़ी के कारनामों की वजह से ललित मोदी को देश भाग कर छोड़ना पड़ा, क्या है IPL और ललित मोदी की हिस्ट्री, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। साल 1963 में दिल्ली में जन्मे ललित मोदी भारत के प्रसिद्ध मोदी बिजनेस फैमिली से आते हैं। गाजियाबाद से सटे मोदी नगर टाउन को ललित मोदी के दादा गुजर मल मोदी ने ही बसाया था। दादा के बाद पिता ने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया। उसके बाद बारी आई ललित मोदी की। शिमला और नैनीताल से मोदी की स्कूली पढ़ाई हुई। इस दौरान एक बार उन्हें स्कूल से फिल्म देखने के कारण या बंक करने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद ललित मोदी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। पेस और ड्यूक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। इसी दौरान मोदी के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके चलते उन्हें भारत लौटना पड़ा। ये घटना थी कोकीन से रिलेटेड। साल 1985 में नॉर्थ कैरोलिना में ललित मोदी कोकीन की ट्रैफिकिंग करने और मार पिटाई करने के आरोपों में दोषी पाए गए। इस मामले में ललित मोदी की गिरफ्तारी भी हुई और 2 साल की सजा भी हुई, लेकिन तबीयत का बहाना बनाकर वो भारत लौट आए। हालांकि ललित मोदी इन आरोपों को खारिज करते हैं, लेकिन सच्चाई को कहां तक झुठलाया जा सकता है, कहीं ना कहीं तो वो दर्ज होता ही है। ऐसे ही ललित मोदी की इस खबर को द टाइम्स नाम के अखबार ने 1 मार्च 1985 को छापा था। इस तरह ललित मोदी का ये झूठ इस खबर के आगे अधिक नहीं चल पाया। अमेरिका से भारत वापस आने के बाद मोदी ने अपने फैमिली बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। इसी बीच ललित मोदी ने 1991 में अपनी माँ की दोस्त मिनाल सगरानी से शादी कर ली जो उनसे उम्र में 9 साल बड़ी थी और तलाकशुदा थी। इस वजह से मोदी का परिवार के साथ मनमुटाव भी हुआ और उन्हें मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। आगे की कहानी जानने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए इसमें बस 4 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारे चैनल के जिंदा रहने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। खैर, मुंबई शिफ्ट होने के बाद साल 1993 में ललित मोदी ने मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क नाम की एक कंपनी की स्थापना की। मोदी की ये कंपनी भारत में डिज्नी का कंटेंट ब्रॉडकास्ट करवाती थी, साथ ही भारत में ESPN और फैशन टीवी जैसे चैनलों को ब्रॉडकास्ट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मोदी की इस कंपनी को मिल गया। ये एक तरह से IPL की नींव थी। ललित मोदी को शुरू से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन लीग और UK की इंग्लिश प्रीमियर लीग से उन्होंने ये अंदाज़ा तो लगा लिया था कि इस तरह की स्पोर्ट्स लीग अगर भारत में लाई जाए तो वो हिट कर सकती है। यहीं से उन्हें IPL के लिए आइडिया आने लगी। इसी दौरान उन्होंने भारत में 50 ओवरों की क्रिकेट लीग लाने का मन बनाया। BCCI को इसका आइडिया भी दिया, लेकिन उस समय ललित मोदी का ये आइडिया ज़मीन पर नहीं उतर पाया। मोदी ने फिर एक बार इसका प्रयास किया, लेकिन दोबारा भी वे सफल नहीं हुए। BCCI उनके इस प्लान से संतुष्ट नहीं थी। इस कारण ललित मोदी समझ गए कि अगर क्रिकेट लीग का सपना पूरा करना है तो BCCI में ही सेंध लगानी होगी। मोदी का क्रिकेट लीग का प्लान तो पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन उनकी भारतीय क्रिकेट के बड़े पदों पर बैठे लोगों से नज़दीकियां बढ़ने लगी। इनमें से एक थे तत्कालीन BCCI चीफ इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। बिंद्रा की मदद से ही ललित मोदी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इसी दौरान ललित मोदी हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन में भी घुस गए और ऐसे ही धीरे धीरे उनके लिए क्रिकेट की दुनिया के दरवाजे खुलते गए। इस बीच मोदी ने अपना कामकाज मुंबई से जयपुर शिफ्ट कर लिया और इसी दौरान उनकी दोस्ती एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी वजह से उन्हें राजस्थान का सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री और भाजपा की नेता वसुंधरा राजे थी। वसुंधरा राजे से संपर्क में आने के बाद मोदी खुद में एक पावर हाउस बन गए।
सरकार के कामकाज में उनके दखल की बातें सामने आने लगी। यही कारण था कि उन्हें राजनीति में ना होते हुए भी राजस्थान का सुपर चीफ मिनिस्टर भी कहा जाने लगा। मोदी का राज्य पर किस हद तक प्रभाव था, इस बात का अंदाजा एक चर्चित मामले से लगाया जा सकता है। जैसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर 1972 से ही रूंगटा परिवार का कब्जा था। मोदी ये जानते थे कि RCA चुनाव में रूंगटा के लोगों को हराना लगभग असंभव है। इसके चलते उन्होंने राज्य से नया स्पोर्ट्स एक्ट लागू करने के लिए कहा और करवाया, जिसे चुनाव में वोट देने वालों के नियम बदल दिए गए। इससे मोदी को फायदा हुआ और वे रूंगटा को हराकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस दौरान मोदी पर राजस्थान की कुछ हेरिटेज हवेलियों को बेचने के भी आरोप लगे। इसकी जांच भी हुई। द कैरवन मैगजीन के लिए लिखे अपने एक लेख में पत्रकार सामंत सुब्रमण्यम ने ललित मोदी की हिस्ट्री को अच्छे से खोदा है। राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के हवाले से बताते हुए पत्रकार सामंत सुब्रमण्यम ने लिखा है कि अपना काम करवाने के लिए राजस्थान के मंत्री ललित मोदी के कमरे के बाहर लाइन लगाते थे। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ललित मोदी के वसुंधरा राजे से क्या संबंध थे। वसुंधरा राजे की मदद से राजस्थान क्रिकेट का अध्यक्ष बन जाने के बाद ललित मोदी शरद पवार के संपर्क में आए। अपनी जोड़ तोड़ की रणनीति से उन्होंने शरद पवार का विश्वास भी जीता और उन्हें BCCI प्रमुख बनवाने में मदद भी की। पवार ने खुश होकर मोदी को BCCI के मार्केटिंग अफेयर्स का कंट्रोल दे दिया। ललित मोदी ने भी पानी के स्किल्स के दम पर, यानी कि अपने स्किल्स के दम पर, BCCI को मालामाल कर दिया और यहीं से मोदी के लिए आखिरकार IPL का रास्ता साफ हो जाता है। उन्हें BCCI से IPL लॉन्च करने की इजाज़त मिल जाती है और ललित मोदी IPL के कमिश्नर बन जाते हैं। इसलिए यहाँ ये कहना तो गलत नहीं होगा कि ललित मोदी ने IPL लाकर भारत में क्रिकेट के बिजनेस में क्रांति ला दी। ललित मोदी की लार्जर देन लाइफ वाली छवि थी। वो जरूरत से ज़्यादा पैसा बहाने वालों में से एक थे। उन्होंने IPL को भी इसी तरह बनाया। दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी जैसे बॉलीवुड के सितारे, मुकेश अंबानी, विजय माल्या जैसे उद्योगपति IPL के हिस्सा बन जाते हैं। ललित मोदी ने IPL में इतना मसाला और चकाचौंध और पैसा डाल दिया कि ये 18 अप्रैल 2018 को हुए पहले मैच से ही क्रिकेट की दुनिया में पूरी तरह छा गया। खिलाड़ियों की करोड़ों की बोली लगने लगी। उनका अपने अपने शहरों की टीमों के लिए खेलना, नाच गाना, चीयर लीडर्स, क्रिकेट में इतना एंटरटेनमेंट भारतवासियों ने कभी नहीं देखा था। पैसों की बरसात तो इस कदर हुई कि पहले सीजन में 8 टीमों के मालिकों ने $724 मिलियन की बोली लगा डाली। बड़े खिलाड़ी तो मालामाल हुए ही, डोमेस्टिक क्रिकेट और अंडर 19 खेल में खेल रहे क्रिकेटरों ने भी लाखों पैसे कमाए। IPL के भारत और विदेश में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही 4,080 करोड़ रुपये में बिके। हालांकि ये मोदी का ही दिमाग था और मेहनत थी कि IPL बिग हिट साबित हुआ। स्पोर्ट्स पत्रकार बोरिया मजुमदार ललित मोदी पर लिखी अपनी किताब मैवरिक कमिश्नर में बताते हैं कि मोदी ने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का फ़ायदा उठाया। वे अपने दोस्तों से मिले और उन्हें IPL में पैसा लगाने या टीम खरीदने के लिए राजी किया। ललित मोदी को पता था कि अगर IPL को हिट करवाना है तो उसे TV पर शाम को प्राइम टाइम पर दिखाना होगा। इसी बीच एक घटना और घटती है जिसका फ़ायदा ललित मोदी और IPL को मिला। ये घटना थी पहले T20 वर्ल्ड कप का होना। साल 2007 में साउथ अफ्रीका में हुए T20 वर्ल्ड कप को महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में इंडियन टीम ने जीत लिया। इस वजह से भारतीय क्रिकेट फैंस की T20 क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने में IPL के लिए अच्छी खासी स्टेज बना दी। ललित मोदी भी खुद ऐसा मानते थे। साल 2008 के अप्रैल महीने में पहला IPL का मैच हुआ। ये मैच हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। पहले ही मैच में कोलकाता की टीम ने 20 ओवरों में 222 रन बना डाले। इस मैच के नायक रहे कोलकाता के खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम। मैकुलम ने 73 गेंदों में ही 158 रन बना डाले, यानी कि IPL का पहला शतक पहले ही मैच में दर्ज हो चुका था। IPL के पहले मैच ने ही बता दिया कि आगे चलकर क्रिकेट की दुनिया में IPL छा जाने वाला है, और ये हुआ भी। IPL इतना सफल हुआ कि IPL के दौरान बड़ी फिल्मों का रिलीज होना भी बंद कर दिया गया, क्योंकि फिल्म वालों को भी पता था कि IPL फिल्मों को खा जाएगा। इस तरह ललित मोदी एक ऐसा क्रिकेटिंग ब्रांड बना चुके थे जो बॉलीवुड की फिल्मों को भी पीछे छोड़ चुका था। यानी बड़े बड़े स्टार भी अपनी फिल्मों को IPL वाले दिन, यानी IPL के मैच वाले दिन रिलीज करने से बचने लगे। IPL की वजह से ललित मोदी खुद एक बड़े ब्रांड बन चुके थे। मैगजीन के कवर पेज पर उनकी तस्वीरें आने लगी। इसका फायदा BCCI को भी मिला। BCCI की भारी कमाई होने लगी। BCCI ने ललित मोदी को अपने हिसाब से काम करने की खुली आज़ादी दे दी। ऐसा भी समय आया जब ललित मोदी को BCCI में उसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से भी ज़्यादा शक्तिशाली माना जाने लगा। वे अपना एक अलग ही बोर्ड चला रहे थे। अब आता है साल 2009 का वक्त। उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम आम चुनाव की वजह से
आईपीएल टीम्स और स्टेडियम्स को पर्याप्त सिक्योरिटी देने में आनाकानी कर रहे थे, लेकिन ललित मोदी को ये बात पसंद नहीं आई। ललित मोदी ने आईपीएल को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया, यानी भारत की बजाय साउथ अफ्रीका में मैच ले गए। इस वजह से उनके और चिदंबरम के रिश्ते खटास में आ गए। द कैरवन मैगजीन में अपने लेख में पत्रकार सामंत सुब्रमण्यम लिखते हैं कि एक बार मोदी को ये कहते हुए भी सुनाई दिया कि चिदंबरम फोन पर उनसे आईपीएल को भारत में ही करवाने के लिए भीख मांग रहे हैं। ये जलवा उस वक्त ललित मोदी का हो चुका था। सुपर चीफ मिनिस्टर ललित मोदी अब सुपर कमिश्नर बन चुके थे। आईपीएल की कामयाबी से उन्हें ये भी एहसास हो गया था कि वे अजय हैं, उन्हें अब कोई पीछे नहीं कर सकता। बुरिया मजुमदार अपनी किताब में लिखते हैं कि एक समय पर मोदी का भौकाल ऐसा था कि अगर कोई उनका विरोध करता तो उस व्यक्ति का बॉयकॉट हो जाता था। ये खुद बुरिया मजुमदार ने झेला है, यहाँ तक कि खिलाड़ी भी सावधान रहते थे कि वो मोदी को नाराज ना कर दें। अब मोदी अपनी मर्जी से फैसले लेते थे, उन्होंने बीसीसीआई को भी एक तरफ कर दिया था। मोदी ने खुद को आईपीएल और बीसीसीआई से बड़ा बना लिया था और यही उनके गिरने का कारण बनता है। मोदी के मन मुताबिक चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन वो बीसीसीआई और सरकार में अपने दुश्मन भी बढ़ाते चले गए। यही कारण है कि साल 2010 में ही मोदी की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे उनके द्वारा किए गए झोल सामने आने लगते हैं। साल 2010 में आईपीएल में दो नई टीमों की एंट्री हुई, सुब्रत सहारा की पुणे वॉरियर्स और कोची क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की कोची टस्कर्स केरल। दोनों टीमें नीलामी जीतकर आई थीं, लेकिन इसके बावजूद ललित मोदी कमिश्नर के तौर पर कोची की फ्रेंचाइजी के पेपर्स पर साइन करने में आनाकानी कर रहे थे। कोची के मालिक पेपर्स पर साइन करवाने के लिए कई बार ललित मोदी से मिल चुके थे, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना बना देते, कोई ना कोई कमी निकाल देते। बात काफ़ी बढ़ गई और बीसीसीआई ने ललित मोदी को सख्त निर्देश दिए कि वे पेपर्स पर साइन कर दें। जाहिर था कि ललित मोदी दबाव में आकर पेपर्स पर साइन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे नहीं चाहते हैं कि कोची की टीम आईपीएल में आए, लेकिन इसके पीछे ऐसा क्या कारण था? कहानी 11 अप्रैल 2010 से साफ होना शुरू हो जाती है, जब मोदी ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जिससे देश भर में बवाल खड़ा हो गया और बात बहुत आगे बढ़ गई। मोदी ने अपने ट्वीट्स में कोची टीम के शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक्सपोज कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार इन ट्वीट्स में मोदी ने खुलासा किया कि कोची टीम ने एक महिला को 70 करोड़ के शेयर्स फ्री में दिए हैं, क्योंकि महिला के संबंध विदेश राज्य मंत्री यानी शशि थरूर से हैं। मोदी के इन ट्वीट से भूचाल आ गया। पता चला कि जिस महिला को फ़ायदा पहुंचाया जाने की बात की जा रही है वो शशि थरूर की गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर हैं। अब मामला क्रिकेट से हटकर राजनीतिक हो चुका था और शशि थरूर पर विपक्ष ने भ्रष्टाचार और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाना शुरू कर दिया। अभी तक शशि थरूर अपने आप को कोची टीम का सिर्फ मेंटर बता रहे थे। विपक्ष का थरूर पर दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया। मोदी की मर्जी के खिलाफ कोची के फ्रेंचाइजी पेपर्स पर साइन करवाए गए थे और इसका बदला उन्होंने कुछ इस तरह से ले लिया था। साफ समझ आ रहा था कि उन्होंने कोची की टीम की पब्लिक इमेज खराब करने के लिए ही ऐसा किया है। साथ ही मोदी ने कोची के शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक्सपोज करके गोपनीयता के यानी कि प्राइवेसी के नियम तोड़े। इसको लेकर कोची के मालिकों ने बीसीसीआई से शिकायत की। 3 साल के अपने इतिहास में आईपीएल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इस तरह सोशल मीडिया पर टीमों के शेयर होल्डिंग पैटर्न का खुलासा किया गया हो। लेकिन ललित मोदी ने कोची की टीम को तो एक्सपोज कर दिया था, लेकिन उन्होंने खुद के लिए भी गड्ढा खोद लिया था। यहाँ सवाल उन पर भी उठता है कि क्या ये उनकी और उनकी टीम की जिम्मेदारी नहीं थी कि बिडिंग के समय यानी कि नीलामी के समय ही टीम के शेयर होल्डर्स की अच्छे से जांच की जाती। मोदी ने यह खुलासा तब किया जब कोची की टीम नीलामी जीत चुकी थी और 2011 के आईपीएल में खेलने वाली थी। दूसरा बड़ा सवाल उठा कि मोदी ने ऐसा सिर्फ कोची टीम के साथ ही क्यों किया? क्या बाकी टीमों के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई झोल नहीं था? इस पर बोरिया मजुमदार अपनी किताब में बताते हैं कि अब ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली थीं। शशि थरूर का नाम आने के बाद से सरकार की नज़रें अब ललित मोदी और बीसीसीआई पर थीं। इनकम टैक्स और ईडी ने बीसीसीआई के दफ्तरों में रेड मारने शुरू कर दिए। पता चला कि बाकी टीमों के कई सारे असली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स यानी नीलामी के डॉक्यूमेंट्स ही गायब हैं। हजारों करोड़ के टीवी के राइट्स के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर भी गायब हैं। बीसीसीआई के दफ्तरों से इतने ज़रूरी कागज कैसे गायब हो सकते हैं? क्या जानबूझकर इन कागजों को गायब किया गया था या फिर कोई और कारण था? अचानक से बीसीसीआई की इज्जत दाब पर लग गई। बीसीसीआई और आईपीएल की क्रेडिबिलिटी पर यानी कि विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। मामले पर अब संसद में भी आवाज़ उठने लगी और ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति के कारण हो रहा था। बाद में खुद बीसीसीआई के द्वारा की गई जाँच में पता चला कि ललित मोदी बिना गवर्निंग काउंसिल के अप्रूवल के ही आईपीएल से जुड़े कई निर्णय ले चुके थे। अभी तक ललित मोदी बीसीसीआई की छवि पर गहरी चोट पहुंचा चुके थे। बीसीसीआई का उन पर से अब विश्वास उठने लगा था, लेकिन अब सवाल बीसीसीआई पर भी उठ रहे थे कि 3 साल से बोर्ड ललित मोदी को लेकर आंखें बंद करके क्यों रहा, आखिर क्यों?
साल 2010 के बाद से ही ललित मोदी के कई और झोल सामने आने लगे। कोची के शेयर होल्डर्स एक्सपोज करने के बाद मोदी पर यह आरोप भी लगने लगे कि उन्होंने टीमों की नीलामी में अपने संबंधी और दोस्तों को इनसाइड इन्फॉर्मेशन देकर फायदा पहुंचाया है। इतना ही नहीं, ये भी सामने आने लगा कि मोदी के कुछ रिश्तेदार कोलकाता, पंजाब और राजस्थान की टीमों में शेयर होल्डर हैं। बीसीसीआई का कहना है कि इस बारे में मोदी ने नीलामी के दौरान उन्हें कोई जानकारी नहीं दी थी। जिस एजेंसी को आईपीएल ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स दिए गए थे उसमें भी मोदी की हिस्सेदारी होने की बात सामने आई। मतलब यहाँ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बना। इतना ही नहीं, अब ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगने लगे। जांच एजेंसियों को शक था कि जिन तीनों टीमों से मोदी का लिंक सामने आया है उनमें सेल कंपनियों के माध्यम से पैसा लगाया गया। उन्होंने नियमों को दरकिनार कर विदेशी कंपनियों से पैसे के लेनदेन किए हैं, जिसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा एक्ट का उल्लंघन माना गया। इसमें उनके साथ ही बीसीसीआई के कुछ अन्य लोग जैसे कि एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर भी फंसे। यहां तक कि मोदी पर जुआ और मैच फिक्सिंग के भी आरोप लगने लगे। ललित मोदी पर अब आरोपों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी थी। कुल मिलाकर मोदी ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की और अपने कई दोस्त और रिश्तेदारों को आईपीएल के जरिए फायदा पहुंचाया। इस कारण मोदी के खिलाफ अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने 2 दर्जन से ज्यादा पैसों की गड़बड़ियों, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल केस दर्ज कर लिए। अंततः सारे मामलों को देखते हुए बीसीसीआई ने ललित मोदी को आईपीएल के कमिश्नर पद से और चेयरमैन के पद से सस्पेंड कर दिया। मोदी को अब समझ में आ चुका था कि अब वे बचने वाले नहीं हैं, इसलिए पासपोर्ट रद्द हो जाने से पहले ही वे देश छोड़कर लंदन भाग गए। वहां उन्होंने कार्टर रक नाम की एक बड़ी लॉ एजेंसी से अपने केस लड़ने के लिए उन्हें हायर किया। साथ ही अपने ऊपर लगे कई आरोप बीसीसीआई के तत्कालीन सेक्रेटरी एन श्रीनिवासन के मत्थे मर दिए, क्योंकि मोदी को लगता था कि उन्हें बीसीसीआई से बाहर निकलवाने के पीछे एन श्रीनिवासन का ही हाथ है। यहाँ एक बात और निकल कर आती है कि जब मोदी अपनी मनमर्जी से ये सारी काम कर रहे थे तो क्या बीसीसीआई की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्हें रोकती? अल्टीमेट पावर बीसीसीआई की सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के पास ही होती है, लेकिन 3 साल तक बीसीसीआई के लोग आंख बंद करके मोदी के साथ खड़े रहे। जब मोदी आईपीएल सर्कस चला रहे थे तब राज्यों के क्रिकेट एसोसिएशंस भी चुपचाप बैठे रहे। इस पर वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा डीएनए में लिखे अपने एक आर्टिकल में एक सीनियर बीसीसीआई अधिकारी के हवाले से बताते हैं कि अरुण जेटली, राजीव शुक्ला, फारूक अब्दुल्ला, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया आदि के द्वारा चलाए जा रहे अपने अपने राज्यों के क्रिकेट एसोसिएशन में किसी ने भी मोदी के कामकाज का विरोध नहीं किया। बीसीसीआई अधिकारी का कहना था कि कई नेताओं को प्रोटेक्शन मनी भी दी जाती थी, इसलिए किसी ने भी मोदी पर सवाल खड़े नहीं किए। मोदी बड़े नेताओं से अपने संबंध बनाते रहे और काम करवाते रहे। इसके बाद सितंबर 2013 में बीसीसीआई की 3 सदस्यों की कमेटी ने मोदी पर कई गड़बड़ियों के आरोप लगाए और उन्हें बीसीसीआई से जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बीसीसीआई से बैन होने के बावजूद साल 2014 में ललित मोदी एक बार फिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2005 में मोदी ने जिस राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट को लागू करवाया था उसके हिसाब से मोदी बैन होने के बावजूद भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते थे। बीसीसीआई ने इसका विरोध भी किया और आरसीए को बैन करने की धमकी भी दी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगभग 1 साल तक मोदी आरसीए के अध्यक्ष बने रहे। यह वही समय था जब राजस्थान में दोबारा बीजेपी की सरकार आ चुकी थी और वसुंधरा राजे एक बार फिर मुख्यमंत्री बन चुकी थी। ललित मोदी का वसुंधरा राजे पर कितना प्रभाव था ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इतना ही नहीं, ललित मोदी के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी अच्छे संबंध थे। साल 2015 में एक बार सुषमा स्वराज के द्वारा ललित मोदी की मदद करने को लेकर भी बवाल खड़ा हो चुका था। मोदी लंदन में थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से पुर्तगाल जाने की मदद मांगी थी। मोदी का कहना था कि उन्हें अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के ऑपरेशन के कंसेंट पेपर्स पर साइन करने के लिए पुर्तगाल जाना है, लेकिन मोदी के अनुसार चिदंबरम के कहने पर ब्रिटिश सरकार उन्हें यात्रा संबंधी डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं होने दे रही है। यहां सुषमा स्वराज ने हस्तक्षेप किया और एक ब्रिटिश सांसद की मदद से मोदी को इमिग्रेशन दस्तावेज दिलवा दिए। इस मामले पर विपक्ष ने सुषमा स्वराज का कड़ा विरोध किया कि कैसे वो एक स्कैमर के बाहर जाने में मदद कर सकती हैं। इस मामले को विपक्ष ने मोदी गेट का नाम दिया। सुषमा का कहना था कि उन्होंने ऐसा ऐसे नहीं किया बल्कि मानवीय आधार पर किया, क्योंकि मोदी का पुर्तगाल के अस्पताल में कंसेंट फॉर्म पर साइन करना जरूरी था। हालांकि खबरों में बताया गया कि पुर्तगाल में ये जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन के पहले स्पाउस से साइन करवाकर इजाज़त ली जाए, इसलिए सुषमा स्वराज का ये तर्क भी फर्जी निकलता है। सिर्फ सुषमा स्वराज ही नहीं बल्कि मोदी की पुरानी साथी
वसुंधरा राजे ने भी उन्हें इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स दिलवाने में उनकी मदद की थी। इसी बीच साल 2015 में खबर आई कि मोदी ने वसुंधरा राजे के बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह की होटल कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। खबरों के अनुसार ईडी ने इसकी जांच भी की थी, क्योंकि मोदी ने दुष्यंत की कंपनी का 10 रुपये का शेयर 96,000 रुपये का खरीदा था। क्या मोदी ने ये इन्वेस्टमेंट वसुंधरा राजे के एहसानों के बदले में किया था या एहसानों की कीमत चुकाई गई थी, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने आरोपों के बावजूद भी मोदी लंदन में आराम से अपने आलीशान घर में रह रहे हैं। उन पर कार्रवाई होने का कोई अता पता नहीं है। सरकार बदलने के बाद से मोदी पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे लगता है कि केंद्र में भाजपा सरकार का आना ललित मोदी के लिए अमृत की तरह साबित हुआ। एक तो उनके भाजपा नेताओं के साथ संबंध थोड़े ज्यादा गहरे हैं, दूसरा ये कि अब वे किसी बड़ी कार्रवाई से बच गए। ऐसे लगता है कि सरकार उन्हें भारत लाकर दंडित करने के मूड में नहीं है। यहाँ सवाल नरेंद्र मोदी सरकार पर भी उठते हैं कि क्या सरकार ने ललित मोदी को भारत वापस लाने में कोई कार्रवाई नहीं की है? अगर नहीं की है तो क्यों? अंत में कहें तो ललित मोदी ने भारत को IPL दिया, जिससे भारत में क्रिकेट की क्रांति आई। कई बड़े खिलाड़ी IPL से निकले जो बाद में इंडियन टीम में खेले। IPL के कारण BCCI पैसों से भर गया, लेकिन मोदी ने इसकी आड़ में कई ऐसे कारनामे भी किए जिनकी वजह से उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। कोची की टीम में गड़बड़ी का खुलासा करने के वाले मोदी खुद उसी गंगा में हाथ मुंह धोते हुए पकड़े गए। अपने फायदे के लिए सरकारों ने भी मोदी का इस्तेमाल किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मोदी कोची टीम की पोल पट्टी नहीं खोलते तो खुद मोदी का भी कुछ नहीं होता। गड़बड़ झारों से भरा उनका गेम यूं ही चलता रहता। बहरहाल ये कहानी थी ललित मोदी की और IPL के इतिहास की। आपसे अपील है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 3 सेकंड निकाल कर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। फिर दोबारा लौटूंगा कोई नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।